वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ जाएंगे। आप जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं इसको समझेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे, और फिर स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में बदल देते हैं। तो इतने ही समझने हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है उन एक्शंस के लिए जो होंगे स्टार्ट, जो स्टार्ट होंगे फ्यूचर में। जो कार्य, एक्शन मतलब कार्य, जो कार्य फ्यूचर में स्टार्ट होंगे उनके लिए हम करते हैं प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ये आप जानते हैं जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, इसके बाद वाला या फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शंस जो पास्ट में होगा उसी के लिए फ्यूचर टेंस होता है। यह तो एक पार्ट ही है, पास्ट फ्यूचर का ही है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, मतलब चलेगा। अपूर्ण मतलब चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा तब पूर्ण होगा। तो देखिए यही लिखा है, एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए चलेगा। तो उन एक्शंस को जो फ्यूचर में होगा और कुछ समय के लिए चलेगा उसे ही कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कुछ समय के लिए चलेगा से क्या मतलब है और फ्यूचर से क्या मतलब है? पहले फ्यूचर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया कुछ समय, फॉर सम टाइम। कोशिश करते हैं हिंदी से, कोशिश करते हैं, इधर तो इंग्लिश सेंटेंस था बट हिंदी से कोशिश करते हैं। राम लिखता रहेगा, यहाँ पे गा है, रहेगा मतलब अभी उसने लिखा नहीं है ना लिखा था, मतलब ना यह प्रेजेंट का है ना पास्ट की बात है, लिखेगा जब फ्यूचर आएगा तब, लिखता रहेगा चाहे लिखेगा, यहाँ गा है, लिखता रहेगा, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर तो कन्फर्म हो गया कि एक काम अभी हुआ नहीं है ना हुआ था, अभी लिखने का काम होने वाला है जब भी हो। अब दूसरा फॉर सम टाइम समझना है। राम पत्र लिखता रहेगा, लिखता रहेगा मतलब टाइम लगेगा उसमें, हाँ टाइम लगेगा। आपसे कोई कहेगा कि आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे मतलब कि आप जारी रखेंगे पढ़ाई, फॉर सम टाइम। और लेकिन सम टाइम का आप जानते हैं कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ डे भी हो सकता है, कुछ मंथ भी हो सकता है, कुछ ईयर भी हो सकता है, लेकिन जारी रहेगा और क्या करेगा, सम टाइम तक चलेगा। इतना क्लियर हो गया इसे कि लिखता रहेगा मतलब सम टाइम तक चलेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज एक्शन फ्यूचर में हो तो रहा ही है, साथ में जो एक्शन हो रहा है वह कुछ समय तक चलेगा। प्रेरणा विल बी डूइंग डांस क्लासेस, प्रेमा डांस क्लासेस करती रहेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी आना चाहिए, तभी वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए यहाँ पे प्रेरणा विल बी डांसिंग डूइंग डांस क्लासेस मतलब प्रेरणा डांस क्लासेस करती रहेगी, ये होगा। सुमेधा विल बी स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष से सुमेधा 10th में पढ़ती रहेगी। राम विल बी कमिंग फॉर बर्थडे पार्टी, राम बर्थडे पार्टी के लिए आता रहेगा। तो यह सब क्या है, यह सब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स। तो आपने तो देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, और साथ में आइडेंटिफिकेशन भी थोड़ा सा देख ही लिया कि हिंदी के मुख्य क्रिया के अंत में आना चाहिए, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, इन पांचों में से ही कोई एक आना चाहिए, तभी वह हिंदी वाला सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण भविष्यत काल कहलाएगा। जैसे राम पत्र लिखता रहेगा, इधर पहला तार रहेगा है, दूसरा ती रहेगी चाहिए तो दूसरा सेंटेंस ती रहेगी, तीसरा ते रहेंगे तो तीसरा सेंटेंस ते रहेंगे, चौथा तार रहूंगा तो इधर तार रहूंगा, और पांचवा तार रहूंगी।
तो इस तरह से पांच ये जो है शब्द समूह, वो ऐसे ही पांच सेंटेंस उसी के सीक्वेंस में यहाँ लिखा मिल रहा है आपको। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का तरीका, कैसे बदलेंगे। तो बनावट में है सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि किसी भी टेंस का बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा जो भी होता है एक्स्ट्रा में रहता है, लेकिन हम केवल इतनी की बात करते हैं बनावट में, सबसे पहले सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब का तो विल शैल रहेगा। आप जानते हैं शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी ही आते हैं, कल भी बताया था, और विल का प्रयोग रेस्ट ऑफ द पर्सन्स, मतलब तीन ही पर्सन होते सेकेंड एंड थर्ड में विल का प्रयोग होगा। विल होगा चाहे शैल होगा, उनके साथ बी का प्रयोग अनिवार्य है, बी रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद मेन वर्ब वी फोर मतलब वर्ब प्लस आई एन जी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है, लिखता है, तो यहाँ पे राइट प्लस आई एन जी होता है राइटिंग। तो राइटिंग लिखेंगे हर जगह पर जहाँ पे हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो चेंज कर लेते हैं जरा इसको, राम पत्र लिखता रहेगा, तो ये होगा राम। राम थर्ड पर्सन है तो विल होगा, विल के बाद बी डालना है, और फिर डालने के बाद वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म आई एन जी वाला फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लेटर। सीता पत्र लिखती रहेगी, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, वे लोग पत्र लिखते रहेंगे, दे विल बी राइटिंग लेटर्स। लेटर्स क्यों? क्योंकि वे लोग हैं। मैं पत्र लिखता रहूंगा तो क्या होगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखती रहूंगी, तो इसका भी सेम ही होगा। तो इस तरह से देख लिया आपने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कि और साथ में देखा आपने पहचान का तरीका कि अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी रहना चाहिए, और साथ में बनावट भी देख लिया है। तो इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।